ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को थर्ड क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में था। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के कामों में बाधा होती है। अब सत्येंद्र जैन जी दिल्ली में कई और नए मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहे थे। वो दिल्ली में पानी और बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, यमुना की सफाई पे काम कर रहे थे। अब वो सारे प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे। हम सबको एक साथ गिरफ्तार कर लो, एक साथ सारी जांच एजेंसी से हमारी सबकी जांच करवा लो। जितनी रेड करनी है रेड कर लो, एक साथ कर लो, ताकि उसके बाद हम काम कर सकें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।